नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो वो खास नहीं रहा। हालांकि फिल्म की रिलीज के साथ ही फैंस का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। लोगों ने फिल्म के साथ अक्षय के काम की भी खूब तारीफ की थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फिल्म फीस दी साबित हुई। बता दें कि यशराज फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म में अक्षय के साथ मानुषी चिल्लर लीड रोल में है। फिल्म की रिलीज के साथ अक्षय से जुड़े कुछ पुराने किस्से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में एक किस्सा उनके स्वागरात से जुड़ा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शादी की पहली रात को ही उन्हें पत्नी ट्विंकल खन्ना की सच्चाई का पता चला था। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक आइडियल कपल के रूप में माना जाता है। दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें शादी की पहली रात ही पता चला था कि वे लड़ाई में पत्नी ट्विंकल खन्ना से कभी नहीं जीत पाए। हालांकि रियल लाइफ में दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की बातें कभी सामने नहीं आई। बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की पहली मुलाकात फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। शूटिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिल्म रिलीज के साथ अक्षय कुमार ने ट्विंकल के सामने शादी का प्रपोजल रखा था। हालांकि ट्विंकल उस दौरान अपनी लाइफ के बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। हालांकि दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी मजबूत थी और ट्विंकल शादी के लिए राजी हो गई थी। लेकिन जब अक्षय की सास डिंपल कपाड़िया से उनकी बेटी का हाथ मांगने पहुंचे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि दोनों को शादी से पहले साल भर तक लिव इन रिलेशन में रहना पड़ेगा। साल भर लिव इन में रहने के बाद अक्षय ट्विंकल शादी के बंधन में बंधी थी। 2002 में ट्विंकल के बेटे आरफ को जन्म दिया, वहीं बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ था। अक्षय कुमार के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वे एक रक्षाबंधन, राम सेतु, गोरखा सेल्फी, राउडी राठौर 2, डबल एक्सल, ओएमजी 2, सिंड्रेला जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। इनमें उनकी फिल्में इसी साल रिलीज भी होंगी। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।